आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे रेफ्रिजरेटर्स जो ब्रांड वर्लपूल के हैं, बट पांच ऐसे रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर में जो आपको एक बहुत ही फंटास्टिक मॉडल है वो सिलेक्ट करके मैंने रखे हैं, जो आप परचेज कर सकते हो। उनके बारे में आपको आज की ये वीडियो बनाई है मैंने और बताने वाला हूँ सारी चीजें, क्या इसमें ऐसे हिडन फीचर हैं जो आपको वर्लपूल रेफ्रिजरेटर अगर सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लेने वाले हो तो आप परचेज कर सकते हो। सो गाइस आपको मैं बताता हूँ एक एक करके क्या इनमें ऐसे हिडन। फोर स्टार का आप देख सकते हैं इन्वर्टर बेस प्रेशर आएगा जो अभी लेटेस्ट चल रहा है। सो गाइस अगर अंदर की बात करेंगे तो इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कुछ कॉमन फीचर जो सभी में आते हैं वो रहेंगे। टफन गिलास सारी कंपनी देती है, इसमें भी आएंगे एक दो तीन रैंक इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। 215 लीटर का कैपेसिटी का इसका आएगा। और अगर साइड की देखेंगे डोर में तो एक दो तीन और एक चार यहाँ पर रैक मिल जाएंगे आपको बोतल रखने के लिए, बड़ी बोतल रखना वो भी आप इजी से रख सकते हो। लॉक मिल जाएगा आपको देखने के लिए रेफ्रिजरेटर में, बहुत सारे कस्टमर्स का क्वारी होता है, बहुत सारे लोगों का क्वारी होता है कि लॉक होना चाहिए घर में, बच्चे परेशान करते हैं, उसके लिए भी आपको ऑप्शनल मिल जाएगा। तो गाइस अंदर की बात करेंगे एक बहुत ही बेटर फीचर्स मिल जाता है जो आपको रेफ्रिजरेटर में वर्लपूल में खासतौर पर ध्यान देंगे तो वर्लपूल में सबसे अच्छा आपको एक फीचर्स मिलता है जो आपको बता दो क्या है। आपको इसमें चिलर जोन जो मिलता है जो रेफ्रिजरेटर चिलर जोन की बात करें, बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि उनका फ्रीजर जोन बड़ा होना चाहिए, बस सिंगल डोर में रेफ्रिजरेटर में जो होता है ना 15 से 20 लीटर का कैपेसिटी का होता है, बट इसमें आपको 30 लीटर कैपेसिटी का बड़ा चिलर जोन मिलेगा जो फ्रीजर जोन मिलेगा, ये आपको एक अच्छा मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर देखेंगे डिफ्रोस्ट बटन आपको इजी मिल जाएगी जो सबसे फास्ट काम करता है, जो ये इस रेफ्रिजरेटर को बनाता कुछ खास। यहाँ आप देखेंगे एक्स्ट्रा चिलर ट्रे दिया हुआ है जो दूध की थैली हो गया या फिर ऐसी कुछ चीजें ये चीज हो गई ऐसे कुछ रखने के लिए बहुत ही काम आता है, ये चीज मिल जाएगी। और एक चीज होती है वर्लपूल में काफी रखती है क्योंकि ये गास्केट जो आप देख सकते हैं ये गास्केट होती है, ये गास्केट में होता क्या है आप बहुत सारे ब्रांड देखेंगे उनमें क्या होता है कि नॉर्मली गास्केट मिलते हैं कुछ दिन में ये खराब होने लगते हैं, बट ये एंटी बैक्टीरियल गास्केट रहेगा, ये प्रूफ है कंपनी का, बस ये एंटी बैक्टीरियल रहेगा, ये फंगस नहीं लगने देता इसके लिए, तो ये काफी अच्छी चीज मिल जाएगी देखने के लिए इस मॉडल में। तो वैसे अगर मैं मॉडल की बात करूं तो मॉडल बहुत ही फिनिशिंग दिया हुआ आप देख सकते हैं, कलर दिया ब्लू टाइप कलर आएगा और देखेंगे इसमें स्टार रेटिंग भी फोर स्टार दिया हुआ है। और उसके नीचे बात करेंगे सारे कॉमन फीचर है इनमें काफी मोस्ट ऑफली देखेंगे आप तो नीचे आपको ड्रॉवर देखने को मिल जाएगा, सारे रेफ्रिजरेटर जिनमें सब में ड्रॉवर देखने को मिल जाएगा जो काफी यूजफुल होता है। यूजफुल ऐसा होता है रीजन क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सब्जी भी रखते हैं नीचे, लाइक ऑनियंस हो गया सूखी सब्जी जो भी होती है आप वहाँ पर स्टोरेज कर सकते हो अपने हिसाब से, तो काफी अच्छा स्टोरेज यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है एज ए स्टैंड आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइस ये काफी अच्छा बेटर चीज है। और अगर बात करूँ दूसरे फीचर्स की तो दूसरा फीचर्स नंबर आए कोई भी आप फ्रिज देखेंगे सिंगल डोर में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर उसी मॉडल पे है, सारे जितने भी वर्लपूल के रेंज मैंने बताई इनमें सभी में आपको देखने को मिलेगा वो चीज सेकेंड नंबर आपको ये मिलेगी देखने के, जैसे आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ डिजाइन यहाँ पर बनी होगी, ये जो हनीकॉम टाइप का आपको देखने को मिलेगा ये केवल वर्लपूल प्रोवाइड करता है। सो गाइस ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, ये डिजाइन बहुत लोगों को पता नहीं होता क्या यूज होता है, ये एज ए डिजाइन नहीं है, ये हनीकॉम लुक दिया हुआ हनीकॉम डिजाइन किया हुआ है, इसका बेनिफिट बहुत ही सीक्रेट है जो शायद आपको पता हो। तो गाइस इसकी बात अगर करें तो इसमें होता है जो भी सब्जी स्टोरेज कर पत्ते वाली सब्जी हो गई लाइक पालक हो गया या पत्ते वाली जो भी सब्जी होगी उसमें होता है क्या है 2 से 3 दिन अगर हम सब्जी नहीं पकाते हैं तो पालक के पत्ते जो है ना खराब हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं और हमें उसको कचरे में फेंकना पड़ता है। तो गाइस उस टाइम आप ये चीज यूजफुल रहेगा, जो भी उसमें मॉइस्चर होगा पानी होगा वो ऑटोमेटिकली ऊपर इस जो प्लेट दिया हुआ है ये जो फ्लेक्सी एक्स्ट्रा प्लेट दिया हुआ है इसमें आ जाता है, पूरा पानी यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको आप क्लीन कर सकते हो वीक में, तो आपका जो सब्जी होगा पत्ते वाला वो खराब नहीं होगा 1 वीक तक। तो आप ये चीज एक बहुत ही यूजफुल आपको मिल जाएगी देखने के लिए, ये बेसिकली वर्लपूल ही आपको प्रोवाइड करेगा इस डिजाइन में और ये चीज। तो गाइस अगर मैं तीसरे फीचर्स की बात करूं तो कुछ मॉडल ऐसे आएंगे जो ऑटो डिफ्रोस आएंगे, बहुत सारी कंपनी भी ऑटो डिफ्रोस मॉडल देती है, तो गाइस एक अपने पास मॉडल आएगा ये वर्लपूल में ये ऑटो डिफ्रोस आएगा जो आप देख सकते हो 6 सेंसर के साथ में आएगा और ये वीटा मैजिक नाम से मॉडल जो है ना वो ऑटो सेंसर दिया हुआ ऑटो स्टार के रेटिंग में आएगा, ये भी इन्वर्टर बेस में कंप्रेसर आएगा ये। तो गाइस ये ऑटो डिफ्रोस होगा, आपको इसमें डिफ्रोस करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये ऑटो डिफ्रोस मॉडल आएगा, इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाऊंगा मॉडल नंबर के साथ। तो गाइस ये तीन फीचर्स ऐसे आपको बताए, एंड चौथे भी फीचर्स की बात करूं आप जितने भी मॉडल्स मैंने आपको बताया आप देख सकते हैं कि पैटर्न्स एंड लुक बहुत ही जबरदस्त आएंगे देखने के लिए, आप किसी भी घर में कहीं भी आप रख सकते हैं, बहुत ही क्वालिटीदार एंड बहुत ही फिनिशिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, सारे में हैंडल आपको देखने मिलेंगे और काफी हैंडल्स और उसका प्रोडक्ट जो होगा बहुत ही अच्छा रहेगा आप देख सकते हैं, जैसे कि
सो गाइस अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं कि पॉइंट नंबर पांचवा क्या है जो आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा, आप देखते होंगे जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर रहेंगे साइड में बहुत ही हीट होता है। रीजन यही है क्योंकि तो उसमें कंडेंसर जो होता है वो इनबिल्ड करके कंपनी देती है। इनबिल्ड करने का एक फायदा भी है और बहुत बड़ा नुकसान भी है। ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो इसमें प्रॉब्लम आना चालू हो जाए। बस वर्लपूल ने ये चीज नहीं किया हुआ है, उन्होंने ओपन रखा हुआ पूरा कंडेंसर। आप देखेंगे तो पूरा ओपन रहेगा, देखेंगे कंडेंसर आपको इस टाइप का ओपन आपको बाहर से देखने को मिलेगा, जो इसकी हीटिंग क्वालिटी नहीं होती है, हीट नहीं करेगा गाइस। तो ये चीज काफी अच्छी होती है। तो शायद इसमें जो थर्माकोल जो इसमें प्रोटेक्शन लगा होता वो खराब होने लगता धीरे धीरे, वो चीजें आपको वर्लपूल में देखने को नहीं मिलेंगी। और इसको ब्रांड सबसे बढ़िया आपको ब्रांड जो है यूएस का ब्रांड मिलेगा और बहुत ही टॉप मॉडल्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। आप अच्छे से उसको परचेज कर सकते हो और इसमें आप जितने भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ मैंने जितने भी मॉडल आपको बताए उनमें सबसे परफेक्ट मॉडल आपको पांच जो मैंने बताया वो मिल जाएंगे, उनके पांचों का मॉडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे देखने के लिए। ये सारी चीजें हैं। सो गाइस इस वीडियो में कुछ इतना ही था। वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो पे। थैंक यू।